मैक्सिमम सम नॉन एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम सम नॉन एडजेसेंट एलिमेंट। अब इसमें ये एरे का क्वेश्चन है, एक एरे दिया हुआ है, एरे 5, 10, 100, 10, अच्छी ठीक है। अब इसमें आपको मैक्सिमम सम बताना है उन सेट्स का जो नॉन एडजेसेंट हो, यानी अगर आपने 5 लिया सेट में, अब 10 नहीं ले सकते, अब 100 ही लो, ठीक है, या ये सकते हैं आपने 5 लिए ही, पहले 10 ले लो फिर 100 छोड़ो फिर 10 भी छोड़ो फिर 10 भी छोड़ो फिर 6 ले लो, यानी कि ये कि भाई एक साथ दो लोग नहीं आ सकते, जरूरी नहीं है कि लिया नहीं लिया लिया नहीं लिया ऐसे ऐसे नहीं है, जरूरी ये भी हो सकता है लिया नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया फिर ले लिया, पर ऐसे नहीं होता लिया लिया फिर नहीं लिया नहीं लिया ऐसे नहीं सकते, दो साथ में नहीं ले सकते, ये दो साथ नहीं ले सकते, बाकी ये कैसे भी ले लो जो मर्जी आप ले लो, एक छोड़ के लो दो भी साथ साथ नहीं होनी चाहिए, और उनको सेट बना के आपको मैक्सिमम सम बनाना है, ठीक है समझे। अब ना इसको बिल्ड करते हैं, चलो इसको सोचते हैं कैसे होगा, पता नहीं होगा कैसे होगा, ठीक है। अच्छा इतना तो पता है कि भाई साथ साथ नहीं आ सकते, तो एरे को ना कुछ ऐसे बनाते हैं 5, 10, 100, 10 और 6 ऐसे है ना। अब हम एक काम करते हैं, 5 पर डिसीजन लेते हैं, 5 आएगा या नहीं आएगा, मान लो 5 आ गया, ठीक है मान लो 5 आ गया, एक काम करते हैं ना ये छोड़ो ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, एक एक करके लेंगे एरे हमारा 5, 10, 100, 10, 6। अब 5 पर डिसीजन एक एक करके डिसीजन लेंगे, पर 5 मान लो आता है या नहीं आता, अगर मान लो 5 आ गया तो सेट बन गया मेरे, ये बोरी बन गई, ठीक है ये खाली बोरी बन गई। अब 10 पर डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, पर अगर 5 आ गया तो 10 नहीं आ सकता, 10 नहीं आएगा तो नहीं ही आएगा। अभी बोरी 5 की, पर जब मैंने 5 नहीं लिया था तो 10 आ भी सकता नहीं आ सकता, नहीं आ सकता दोनों कैसे है ना, तो आ गया अगर 10 तो 10 हो गया, और नहीं आया तो खाली बोरी अभी चल रही है, जो बोरी है ये सेट है मेरे, ठीक है। अब 100 की बात करें, 100 आएगा या नहीं आएगा, अभी 10 के साथ तो नहीं आएगा, 10 के साथ तो नहीं आएगा, पर ये 5 के साथ तो आएगा, 5 के साथ आ सकता है, बोरी होगी 5 10 और खाली बोरी में आ भी सकता नहीं आ सकता, इसमें आ गया इसमें नहीं आया मतलब खाली 5 होगा, और इसमें आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इसमें नहीं आएगा इसमें तो नहीं आएगा, इसमें क्या तो इसमें खाली 10 आ गया, और इसमें आ भी सकता नहीं बनता नहीं भी आ सकता, अगर इसमें आ गया तो क्या आएगा 100 और नहीं आया तो खाली बोरी, ओके ठीक है। अब दोबारा से 10 अब दोबारा 10 पर डिसीजन है, 10 तो नहीं लेंगे अरे 5 पे पहले नहीं लिया था ये इधर वाला नहीं होता है ये नहीं वाले ये आने वाले ये नहीं है नहीं है भाई। एक बात और पूछूं हां बताओ, जैसे 5 के बाद 10 है 100 के बाद भी 10 है, 5 के बाद 10 का है नहीं नहीं ऊपर देखो, जैसे 5 के बाद 10 है और 100 के बाद भी 10 है, तो जैसे अगर 5 के बाद 10 आ सकता है इधर ही, पिछले वाला 10 मतलब 10 तो दोनों सेम ही है, हमें कैसे लगेगा कि वो आगे वाला 10 है पीछे वाला 10 है, तो 10 आ ही नहीं सकता, उसका क्या आ सकता है। अरे वो तो वही तो बिल्ड कर रहा हूं मैं, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल इसका संख्या कितना है 105, इसका 15, 5, 25, इसका 20 है ना, 10 15 है ना, 10 10 नहीं, अच्छा तो 20 10 100 10 खाली 0 मैक्सिमम ये है,
105, अगर इतने एलिमेंट हैं, इतने एलिमेंट तो 105 आएंगे ना, तो यानी कि हमारे इसको लिया इसको नहीं लिया इसको लिया नहीं है हमारा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। अगर मैं सोचू 5 को लूँ 10 को लूँ तो कॉम्बिनेशन बनाया बनाया है ना, 5 को 10 को लूँ कॉम्बिनेशन बनाया बनाया, 10 का भी बना है, 10 और 10 का बना है, 10 और इस 10 का बना है, बन ही नहीं सकता भाई, बन ही सकता, 5 पास है ना, हाँ, और इस 5 का इस 10 का बनेगा नहीं, 7 में है बनेगा, 5 और 10 का बन चुका है, हाँ ठीक है सारे, ठीक है तो हमने क्या किया सारे जनरेट कर लिए पहले, अच्छा कर लिया मैक्सिमम कौन, ओके अच्छा एक बात गौर करना, एक चीज और ध्यान से अगर सोचो तो ना, दो ट्री में आपको दिखाता हूँ, दो ट्री इस ट्री को देखना ध्यान से, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, अब देखना एक अच्छी चीज दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिखता है कि नहीं दिखता, 5 10 थोड़ा नीचे से दिखते हैं, इधर 100 इधर इधर 100 इधर 5 और 100 इधर 5 और 10 इधर 10 इधर 5 100 इधर 100 इधर 5 10 और इधर खाली 10 ठीक है, इसके ऊपर गए तो इधर 5 तो इधर कुछ नहीं, इधर 100 इधर 100 इधर तो 5 और 100 यानी कि इधर 5 तो इधर खाली, मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि ये वाला ट्री और ये वाला ट्री ना एक तरह के सिमिलर ही है, पर शर्त ये है कि इसमें 5 एक्स्ट्रा है, अच्छा ऐसा दिखाना चाह रहे हो, हाँ एक बार वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख गया नहीं दिख रहा है, देखो 5 5 ही तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं कोई 10 का बन रहा है यहाँ पे, 10 का नहीं यार 10 का यहाँ से नहीं बन रहा, शायद यहाँ से मैच कर रहा है वो, यहाँ से है ना, यहाँ से मैच कर रहा है, एक ट्री है और शायद से मेरे हिसाब से ये 5 से यार 5 से, हाँ यहाँ तक मैच कर रहा है, कर रहा है, करके देखते हैं, इधर 5 इधर 5 नहीं है, इधर 100 इधर 100 5 नहीं है, है ना, इधर 5 तो इधर 5 नहीं है, हाँ इधर 10 तो इधर 5 है, 5 इधर 5 तो 5 है ना, और इधर 100 तो इधर 100 इधर 100 तो इधर 5 भी है, जल्दी बनू, इसका मतलब है कि 5 नहीं आएगा, इसका मतलब 5 आएगा, इसका मतलब 5 आएगा ही आएगा, इसका मतलब 5 नहीं आएगा, जब इस लाइन का मतलब कि 5 आएगा ही आएगा, इस लाइन का मतलब 10 आएगा ही आएगा, मैक्सिमम सम बता रही, यानी कि टोटल और मीनिंग के हिसाब से यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ ये लिखा जाएगा कि 100 अगर इन सबको ले लिया जाए तो मैक्सिमम सम कितना आएगा इंक्लूडिंग 100 आएगा ही आएगा, तो 100 को इंक्लूड करके मैक्सिमम सम कितना है, हां इसका मतलब है कि मैक्सिमम सम यहां से लेके आते कितना 100 नहीं आता, ठीक है ठीक है, तो यहां पर 5 आएगा ही आएगा, मैक्सिमम सम 5 5 5 आएगा ही नहीं तो 0 0 अब यहां 10 बस और 5 10 10 आना ही आना कुछ भी हो जाता है, तुम कुछ कर लो 10 आएगा मैक्सिमम बता रहे, तो उसके 5 को नहीं लेना पड़ेगा, हां तो नहीं लेंगे ना, नहीं लेना पड़ेगा तो 10 आ जाएगा मैक्सिमम, यानी कि अगर 5 को नहीं लेना पड़ेगा तो 10 आ जाएगा, इस 10 का जन्म कैसे हुआ जब 5 नहीं आया था, हाँ। यानी कि पिछले वाले भाई तुम्हारा मैक्सिमम सम कितना था जब 5 नहीं था, उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा, यानी कि इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा, ठीक है समझ गए, इसमें 10 ऐड करूंगा, अरे क्योंकि मेरा आना इस बात पर डिपेंड करता है, पिछला तुम ना आना, तुम नहीं आए थे तुम्हारा सम कितना, 0 अब तो मैं आ रहा हूँ, मैं अपना सम देता जा रहा हूँ, अब इसकी बात है कि 10 आना ही नहीं है कुछ भी हो जाए, जब आ रहा ही नहीं है तो भी मेरा मतलब आंसर हमारा मैक्सिमम साइड हो जाए, इन दोनों का मैक्सिमम ले लो 5 5, इसका मतलब 100 आना ही है, तय है 100 आना, 100 कभी आएगा जब 10 नहीं आया हो, और इस लाइन का मतलब है 10 नहीं आया था, नीचे का मतलब नहीं आया, जब 10 नहीं आया था तो मैक्सिमम था 5 था, और उसमें अपना ऐड कर, उसमें ऐड कर तो 105, और इसका मतलब ये है कि 100 नहीं आना, मैक्सिमम बताओ
दोनों मैक्सिमम 10 10 कैसे भाई, 5 के यही है मैक्सिमम, 5 और 10 ले सकते हैं 7 हो गए, 5 और 100 नहीं ले सकते, 100 आना ही नहीं। तो मैं यानी कि दिस प्लस अपना आंसर और इनका मैक्सिमम, यानी कि दिस प्लस दिस यहाँ आंसर और इनका मैक्सिमम यहाँ, और इन दोनों का मैक्सिमम मेरा आंसर 105, यही मेरा आंसर है। ट्री से बस ये बताने की कोशिश करी थी कि ये ट्री सिमिलर है, तो आप हमेशा मैक्सिमम की तरफ बढ़ते जाए, और अगर आप नहीं आ रहे हैं ना, अगर आपको नहीं वाली जगह भरना है, तो आप ये देखो कि भाई इससे पिछली वाली स्टेज में मैक्सिमम कौन से थे, समझे? जब आप आ रहे हो यानी कि 10 जब आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि पिछला ना आए, जब पिछला नहीं आया तब का सम ले लो मैक्सिमम, उसमें अपने आप ऐड कर दो। पर यहाँ पे मैक्सिमम क्यों ले रहा हूँ उस बात को समझें, यहाँ पे मैक्सिमम ले रहा हूँ इसका मतलब 10 नहीं आएगा, जब 10 नहीं आएगा सोचो जरा, 10 आना तय नहीं है, आई है तक 10 ही बोलेगा जब मैं नहीं आ रहा, तो ये हो सकता है कि मैं नहीं आ रहा, तो ये हो सकता है कि मेरे पीछे वाला आया हो या मेरे पीछे वाला ना आया हो, अरे मैं नहीं आ रहा, ये हो सकता है मेरे पीछे वाला आया हो या ना आया हो, कुछ भी हो सकता है। जब आया होगा तभी तो बड़ा सम देगा, आएगा तभी तो मतलब भर देगा ना, वैल्यू बड़ी कर देगा वैल्यू, इसलिए वहाँ पे इनका मैक्सिमम लिख दिया गया है। अब समझ आई बात? तो इसकी अप्रोच की वजह से ये वाली वैल्यू यहाँ पर आपकी कॉपी नहीं करनी, प्लस करनी, और इन दोनों का मैक्सिमम लिख दिया यहाँ, ठीक है? ये तो समझ आया ये कोड, ये कैसी अप्रोच है इसकी मैक्सिमम, ये वही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, और इससे पिछला वाला सवाल भी, क्योंकि आगे वाले जितने भी सवाल आए हैं उन दोनों सवाल पर बेस्ड होंगे। अच्छा, इससे पिछला वाला तो भारी सवाल था, पर ये थोड़ा हल्का लगा, ये तो ये आसान था, ये तो हल्का था ना, ठीक है? तो इसको छापो और इसका अभी हम कोड कर लेते हैं अभी इसी वक्त। तो इसका कोड क्या, इस कोड में हम क्या दो वेरिएबल कर सकते हैं इसको, क्या इसको भी हम ए बी के फॉर्मेट में कर सकते हैं? जैसे इसमें तो हमको दिख रहा है कि 2D मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी वो अरे, पर क्या इसको हम ए बी वेरिएबल से कर सकते हैं? अभी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सोच रहे मेरे को नहीं पता, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ए है बी है, ए का मतलब मान लो आएगा, बी का मतलब मान लो नहीं आएगा, मैं दो वेरिएबल से ही सोच रहा हूँ बनाने की, अरे क्योंकि आगे जब हम भरते जा रहे हैं तो पिछली की वैल्यू की जरूरत थोड़ी है, नहीं तो मान लो 5 था या 10 था या 100 था या 10 था या 6 था, ठीक है कुछ ऐसे, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दो वेरिएबल से काम करना है। एक काम करो, ए में पहले से 5 भर दो और बी में पहले से 0 भर दो, पहले से भर दो पहले से, हाँ यानी कि ए में ये डाल दो एरे ऑफ 0 और बी में डाल दो 0, एरे ऑफ 0 मतलब कि पहला वाला बंदा आएगा ही आएगा, बी में 0 डाल दो, समझे? अब क्या करना है, यानी कि आप हमको ए को अपडेट करना है, देखते हैं क्या पता आपको सी में मतलब लेनी पड़ेगी। मान लो कि बी में डाल दो पहला बंदा, याद करो कि बी पहले आएगा, बी पहले आएगा, अरे मैं ए को बोल रहा हूँ कि ये वो है जिसमें आना ही आना है, 5 को इसमें, 10 को आना ही आना है, 100 को आना ही आना है, ये ए वो है आना ही आना, इनमें से मैक्सिमम ही तो आंसर होगा। अब मैं काम करता हूँ सी को अलग से ले लेता हूँ, क्या पता इस्तेमाल करने को पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू अपडेट जब होगी तब क्या आएगी, यानी कि बी की वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे एक आगे की वैल्यू 10, यानी कि नई वैल्यू करने से पहले ए की वैल्यू ना सी में स्टोर कर देते हैं, क्या पता इस्तेमाल करें, और ए में आ जाए मेरा दिस प्लस दिस 10। अब ये एक अलग वैल्यू से मिटा दो एक बार, अब ए की वैल्यू में मिटा रहा था, ठीक है मैंने मिटा भी दिया हिसाब से, ठीक है। अब मैं बी में यहाँ क्या स्टोर करूँगा, नई बी की वैल्यू इन दोनों में मैक्सिमम, पुरानी वैल्यू तो स्टोर्ड है ना बी भी, 5। अब एक सी के अंदर को 10 फिर डालना पड़ेगा, तो सी के अंदर डालना पड़ेगा, ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। अब देखो फिर, अब ए में क्या आएगा, ए में आएगा बी की वैल्यू प्लस हमें ऐसा रखना पड़ेगा ना, ए को स्टू सी रखना पड़ेगा ना, बी में आएगा
इन दोनों का मैक्सिमम 105 और ए और बी में जो मैक्सिमम हो गया आंसर मेरा, तो समझ आया ना, ए में पहले ही रख दी, बी में रख दी। अब फॉर लूप पास लगाएंगे हम लोग, फॉर लूप लगाएंगे हम लोग और एंड आई इज इक्वल टू जीरो से लगाते आई लेस देन 9 प्लस 3 जीरो से इसलिए लगा रहे क्योंकि मैं एक आगे वाली वैल्यू लूंगा ना, एक आगे वाली वैल्यू यानी कि मैं i प्लस 1 तो देखते हैं। पहली बात तो इंट सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, पहले तो सी में ए ले लेंगे, सी में ए ले लिया ठीक। अब हमको पहले ए की वैल्यू अपडेट करनी ना, ए में क्या रखेंगे हम, ए में रखेंगे जो बी की वैल्यू है और प्लस मेरे से एक आगे वाला बंदा यानी कि एरे ऑफ i प्लस 1 वाला बंदा, i मेरा 0 है याद रखना, i प्लस 1 10 हो जाएगा। मैंने 0 क्यों रखा है क्योंकि जब मैं यहाँ तक जाऊँ अच्छे तक तो i प्लस 1 होगा वो आगे बढ़ जाएगा, तो मेरे को एक चेक भी लगाना पड़ेगा कि भाई ये काम जो है ज़्यादा बार ना हो, इसलिए मैं 0 पे चल रहा हूँ और यहाँ पे i माइनस 1 कर देता हूँ, i माइनस 1 कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ला या अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पहुँचा तो मैं इसकी वैल्यू इसमें ऐड कर 26 मतलब कुछ ऐसे लिख दूंगा, यहीं पर रुकता हूँ समझा ना, आई माइनस 1 क्यों लगा क्योंकि एक स्टेप पिक कम चल रहा है मेरे को और आई प्लस 1 क्योंकि एक आगे कर लेना है, एक वैल्यू अपडेट होगी सी में डाल दिया और बी में क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे हम मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी थोड़ी आएगा क्या आएगा सर, ए कॉमा सी आएगा, ए कॉमा बी आएगा, सी तो हमने हेल्पिंग वेरिएबल के लिए ले रखा है, खुद देखो गाने दे वैल्यू सी को तो ऐसे रखा है ताकि सी में वैल्यू स्टोर होती रहेगी, असलियत में तो मेरा आंसर ए और बी में ही तो है, इसको तो बिल्ड करता जा रहा हूँ। 10 20 कैसा आया, आपने पहले कहा कि ए ऑफ जीरो में, हाँ ए ऑफ जीरो में हमने कुछ नहीं भरा, ये एंट ए है जो इस ए में ए ऑफ जीरो भरती है, ए ऑफ जीरो क्या है हमारा 5, ये एरे है ए ऑफ जीरो की 5 पहले भरती है यानी कि यहाँ पे 5 पहले से था ठीक है, अब बी में 0 था ठीक है, अब मैं आगे बिल्ड करता जा रहा हूँ तो इसमें मैंने वॉल्यूम लगा रखा है, सी में हेल्पिंग वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि सी में स्टोर करूंगा, इनमें से मैक्सिमम लेके यहाँ डालूंगा, इनमें से मैक्सिमम लेके बी सी में से मैक्सिमम डाल के बी में डालूंगा, बी सी बी में क्या डालूंगा मैं बी और सी सॉरी बी और सी में से मैक्सिमम लेके मैं बी में डालूंगा क्योंकि ए तो अपडेट कर ही हो चुका है ना, तो ए की वैल्यू सी में रख दी सी में, ए ए में अपडेट करा अब बी में अपडेट किया सी की वजह से फिर सी में नहीं वैल्यू आएगी फिर अपडेट फिर बी में अपडेट और लास्ट में यही दो तो आंसर आएगा, इन दोनों से मैक्सिमम 105 ही तो आंसर आ रहा था 10 तक ले रहे थे, तो ए और बी में आंसर सी तो हमने हेल्पिंग वेरिएबल कर लिया, समझ में आ गया पक्का, ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन भी तो हमने मैट्रिक्स नहीं बनाई इसमें भी, अब हम डीपी की उस तरफ उस मोड पर जा रहे हैं कि हम मैट्रिक्स को बनाना भी छोड़ रहे हैं, वो उसमें स्पेस बहुत लगता है, मेमोरी बढ़ती है ना मैट्रिक्स, इसलिए हम ये बना रहे हैं, शुरू हमने 1D मैट्रिक्स बनाया था 2D भी बनाया, अब देखो 2-3 वेरिएबल्स का काम हो गया, तो भाई इस अप्रोच को लिख लो